हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीमियर एसेंशियल। मेरा नाम है जितेश वर्मा और आज की वीडियो में बात करेंगे जे कट एंड एल कट के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, मतलब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड रोल द इंट्रो। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जे कट और एल कट होता क्या है। मतलब नॉर्मल हमने कट लगाना सीखा था, आप प्रीवियस ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि आप नॉर्मल कट लगा सकते हैं अपनी टाइमलाइन में, सॉरी अपने क्लिप में, विद द हेल्प ऑफ रेजर टूल और विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट लाइक कंट्रोल के और कमांड के। तो ये जे कट और एल कट क्या कुछ नई चीज़ है क्या? मतलब चलिए जानते हैं थोड़ा कि जे कट और एल कट होता क्या है। ठीक, सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे कि जे कट और एल कट के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक, जे कट और एल कट नॉर्मल एक शेप्स मानी जाती हैं। ठीक है, जे मीन्स जे लेटर, जे कट जो आया वो जे लेटर से आया है, मीन्स जे अल्फ़ाबेट से, जो एल कट है वो एल अल्फ़ाबेट से आया है। और हम किस तरीके से अपनी क्लिप में इनको यूज़ कर सकते हैं, विद हम जे कट लगाना सीखेंगे और एल कट लगाना सीखेंगे, किस तरीके से हम अपनी क्लिप में जे कट और एल कट का यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरी टाइमलाइन में नॉर्मल मैंने दो क्लिप ली हुई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऐसे म्यूट कर देता हूँ अपनी ऑडियो को। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने एक क्लिप यहाँ ली हुई है, देन मेरी सेकंड जो क्लिप है वो मेरी यहाँ। ठीक है, रेजोल्यूशन थोड़ा लो कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट क्लिप मेरी ये रही एंड देन सेकंड क्लिप। तो अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो यू हैव यूज्ड लॉट्स ऑफ मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट एंड मोशन ग्राफिक्स टाइप ऑफ शेप्स एलिमेंट। सो ये जो हमने ऑडियो ली हुई है हमारी टाइमलाइन में, ये हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल से ली है। ठीक है, तो आप नॉर्मल अपनी ले सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि जे कट क्या होता है और एल कट क्या होता है, किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी इन बिटवीन द क्लिप। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कट लगाया हुआ है। ठीक है, मेरे ऑडियो में और वीडियो में कट लगाया, मीन्स हमारी जो सेकंड वीडियो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और हमारी सेकंड ऑडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब ये एक नॉर्मल कट है। ठीक है, हम नॉर्मल रफ कट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा रफ कट कह सकते हैं आप, कि हमारी जब सेकंड वीडियो होगी तब हमारी सेकंड ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जे कट के बारे में। ठीक है, कि जे कट आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो जे कट होता है आपका जे शेप में। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बना सकते हैं। जे कट में होता है क्या कि जो हमारी फर्स्ट वीडियो होती है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो हमारी सेकंड ऑडियो पे ओवरलैप कर रही होती है। ठीक है, ओवरलैप का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि दोनों मेरी जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट ऑडियो यहाँ पे फिनिश हो रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और सेकंड वीडियो और सेकंड ऑडियो मेरी यहाँ से, सेकंड ट्रैक जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने क्या कहा कि जे कट में हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वो सेकंड ऑडियो पे, देखिए ये फर्स्ट वीडियो सेकंड ऑडियो, फर्स्ट वीडियो सेकंड ऑडियो। ठीक है, मतलब कि जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वो सेकंड पे ओवरलैप हो रही होगी। ठीक है, अब मैं एन प्रेस कर देता हूँ, देन अब इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस टाइप से थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक, अब आप देखिए कि सिलेक्शन टूल आप ले सकते हैं वी के हेल्प से। अब आप देखिए यहाँ पे आपको शेप मिली ये देन ये। ठीक है, ये आपका जे शेप है। ठीक है, ये वाली शेप, ये वाली, यहाँ से जो कट लगा हुआ है। ठीक है, अब जो हमारी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो हमने सेकंड वीडियो पे ओवरलैप कर ली, मतलब हमारी फर्स्ट वीडियो चलती रहेगी देन सेकंड ऑडियो हमें सुनाई देगी, तो ये हमारा जे कट हो गया। ठीक है, इस शेप में देखिए ये जे शेप पे है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जे कट और एल कट आया वो शेप से आया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एल कट की। ठीक है, कि आप एल कट किस तरीके से अपनी वीडियो में और अपनी ऑडियो में, या कट किस तरह, जे एल कट किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, एल कट में बिल्कुल चीज़ें रिवर्स होती हैं। अब रिवर्स किस तरीके से होती हैं, पहले हमारी फर्स्ट वीडियो सेकंड ऑडियो पे ओवरलैप कर रही थी, अब क्या होगा, अब हमारी सेकंड वीडियो, ठीक है, सेकंड वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड वीडियो फर्स्ट ऑडियो पे ओवरलैप करेगी। तो अब आप प्ले करके देख सकते हैं, पहले मैं आपको जे कट का प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, टेम्पलेट एंड मोशन ग्राफिक्स टाइप ऑफ शेप। एल कट में मैंने आपको क्या बताया, जो सेकंड वीडियो है वो फर्स्ट ऑडियो पे ओवरलैप होगी, तो ये जो कट हमारा यहाँ से बन रहा है, ये कट यहाँ से ना बन के इस साइड से बनेगा। ठीक है, देखिए इस साइड से, तो ये आपका होता है एल शेप में। ठीक है, यहाँ से ये कट लगा हुआ है, यहाँ ऐसे आएंगे ऐसे, ये आपका हो गया एल शेप। ठीक है, इस तरीके से ये है आपका एल शेप। अब आप अपनी वीडियो प्ले करके देख सकते हैं कि जो हमारी मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट एंड मोशन ग्राफिक्स टाइप ऑफ, अब क्या हो रहा है हमारे एल कट में। ठीक है, एल शेप जो हमारे यहाँ पे बनी हुई है आप देख सकते हैं,
कि हमारी जो सेकंड वीडियो है वो फर्स्ट ऑडियो पे ओवरलैप हुई। तो ये हम बहुत सारी टेक्निक हम यूज़ करते हैं। आपने अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि जे कट और एल कट का हम जब कन्वर्सेशन चल रही होती है, ठीक है, डायलॉग सीन जो होते हैं उनमें हम जे कट और एल कट का यूज़ बहुत करते हैं, ठीक है। तो आप उनको ही ले सकते हैं अपनी वीडियोज़ में, और जे कट और एल कट का यूज़ आप डायलॉग सीन्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं भी आप चाहें तो उस तरीके से, मतलब इस मेथड से आप जे कट और एल कट का यूज़ अपनी वीडियोज़ और ऑडियोज़ में कर सकते हैं। सो डेट इज़ फॉर टुडे गाइज। आज की वीडियो में हमने बात की जे कट और एल कट के बारे में, और हमने जाना कि जे कट और एल कट होता क्या है और किस मेथड से और किस तरीके से हम इसे अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्निक बहुत अच्छी है, ठीक है, डायलॉग सीन्स के लिए। और म्यूज़िक वीडियोज में तो हम नहीं यूज़ करते, नॉर्मल हम डायलॉग सीन्स में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। और जे कट और एल कट और इंट्रोज वगैरह में हम यूज़ कर लेते हैं इसे, ठीक है, और मॉन्टाजेस में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दी वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये ट्यूटोरियल, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि ये ट्यूटोरियल भी हम हिंदी में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आएँ, और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं, लाइक कीजिए डिसलाइक कीजिए। सो गुड बाय फॉर टुडे, कैच यू इन द नेक्स्ट वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।